तस्वीर आज के नालंदा विश्वविद्यालय की है, लेकिन यह तस्वीर जल चुके टूट चुके इमारत की अवशेष मात्र है। दरअसल इस विश्वविख्यात विश्वविद्यालय की तबाही के पीछे एक सनकी तानाशाह का हाथ था, जिसकी आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस दौर में नालंदा पूरी दुनिया में नॉलेज सेंटर के रूप में विख्यात था। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और तुर्की से यहाँ स्टूडेंट्स और टीचर पढ़ने पढ़ाने आते थे। लेकिन बख्तियार खिलजी नाम के एक सिरफिरे की सनक ने इसको तहस नहस कर दिया। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी, जिससे इसकी लाइब्रेरी में रखी बेशकीमती किताबें जलकर राख हो गई। खिलजी ने नालंदा के कई धार्मिक लीडर्स और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवा दी। 6वीं शताब्दी में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। यह सुनकर यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी आते रहते थे। इन्हीं में से एक था तुर्की का शासक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उस समय हिंदुस्तान पर खिलजी का ही राज था। नालंदा यूनिवर्सिटी तब राजगीर का एक उपनगर हुआ करती थी। यह राजगीर से पटना को जोड़ने वाली रोड पर स्थित है। यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स विदेशी थे। उस वक्त यहाँ 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिन्हें 2,000 शिक्षक गाइड करते थे। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही दूसरे धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी। मशहूर चीनी यात्री वेन सोंग ने भी यहाँ साल भर शिक्षा ली थी। यह वर्ल्ड की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ रहने के लिए हॉस्टल भी थे। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बुरी तरह बीमार पड़ गया था। उसने अपने हकीमों से इलाज करवाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब किसी ने उसे नालंदा यूनिवर्सिटी की आयुर्वेद शाखा के हेड राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाने की सलाह दी, लेकिन खिलजी किसी हिंदुस्तानी वैद्य से इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर उसके हकीमों से ज्यादा काबिल हो सकता है। कई हकीमों से सलाह करने के बाद आखिरकार खिलजी ने इलाज के लिए राहुल श्रीभद्र को बुलवाया। खिलजी ने उनके सामने शर्त रखी कि वो किसी हिंदुस्तानी दवा का इस्तेमाल नहीं करेगा और वो ठीक नहीं हुआ तो उसे मौत की नींद सुला देगा। ये सुनकर राहुल श्रीभद्र सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने खिलजी की शर्तें मान ली। कुछ दिनों बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और उससे कहा कि इसके इतने पन्ने रोज पढ़िए तो आप ठीक हो जाएंगे। दरअसल राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और इस तरह धीरे धीरे ठीक होता गया। लेकिन पूरी तरह ठीक होने के बाद उसने हिंदुस्तानी वैद्य के एहसानों को भुला दिया। उसे इस बात से जलन होने लगी कि उसके हकीम फेल हो गए, जबकि एक हिंदुस्तानी वैद्य उसका इलाज करने में सफल हो गया। तब खिलजी ने सोचा कि क्यों ना ज्ञान की इस पूरी जड़ को ही खत्म कर दी जाए। उसके बाद उसने जो किया उसके लिए इतिहास ने उसे कभी माफ नहीं किया। जलन के मारे खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि यह 3 महीने तक चलती रही। इसके बाद भी खिलजी का मन शांत नहीं हुआ। उसने नालंदा के हजारों धार्मिक लीडर्स बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवा दी। बाद में पूरे नालंदा को भी जलाने का आदेश दे दिया। इस तरह उस सनकी ने हिंदुस्तानी वैद्य के एहसान का बदला चुकाया। संसार के सबसे पुराने विश्वविद्यालय यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450-470 ईस्वी के बीच की थी। प्राचीन कला का अद्भुत नमूना माने जाने वाले इस विश्वविद्यालय का पूरा कैंपस एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ था। नॉर्थ से साउथ की ओर मठों की कतार थी और उसके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी। यूनिवर्सिटी के सेंट्रल बिल्डिंग में 7 बड़े और 300 छोटे कमरे थे, जिनमें लेक्चर हुआ करते थे। मठ 1 से अधिक मंजिल के थे। हर मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 बड़ी बिल्डिंग्स, 10 मंदिर, कई प्रेयर और स्टडी रूम के अलावा इस कैंपस में सुंदर बगीचे और झीलें थी। लेकिन सनकी शासक खिलजी के सनक ने इस विश्वविद्यालय को खाक कर दिया।